अब आ जाते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसके ऊपर टू हॉट टू हैंडल ने सबसे पहला फोकस रखा है और इंडियन मैच मेकिंग ने दूसरा फोकस रखा है। हाउ इज वेरी गुड इन द बेड, सेक्स लाइफ, सेक्स। आ गए तुम लोग। हाय गाइस, मैं हूं दादा बेंजो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नेटफ्लिक्स पर इंडियन मैच मेकिंग शो देखने के बाद तो ये वाला वीडियो बनता ही था, पर आज अपन लोग सिर्फ इंडियन मैच मेकिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज अपन एक और नेटफ्लिक्स पर एक शो है उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसका नाम है टू हॉट टू हैंडल। अगर आपने ये दोनों शोज नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके जरा देख लीजिए ना, तभी तो मजा आएगा। देखो दोस्तों, मैंने अपनी जान जोखिम पर डाल के ये दोनों शोज देख लिए और फिर अब जाके इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताने वाला हूं। और मुद्दा क्या है ये दोनों शोज का, मतलब ये शो के बाद जो लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ होता क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करें फैलाना थोड़ा सा रायता। सच बताऊं तो ये दोनों शोज का जो एजेंडा है वो सक्सेस रेट ऑफ इंटेंशन टू गेट मैरिड इन लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। और इस रेस में भी मुझे लगता है टू हॉट टू हैंडल था कहीं आगे तो नहीं निकल गया। इंडियन मैच मेकिंग सीरीज में एक मैच मेकर आती है जिसका नाम क्या नाम है उसका, पूछता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। हाँ सीमा। हाय डार्लिंग। सीमा आती है और दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट समझती है। जैसे ही वो दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट समझती है, अपने जादू से कुछ नया फॉर्मूला बनाती है और फिर उसके बाद एक लड़का और एक लड़की को मिलने भेज देती है। फिर जाहिर सी बात है लोग मिलते हैं और अपने एटीट्यूड और ईगो की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहीं टू हॉट टू हैंडल में लोग अपने मर्जी से लोगों से मिलने के लिए आते हैं और सिर्फ एक मोटिव रहता है, वो खुद ही देख लीजिए। It's not easy to your time without any for any sexual activity. All we want to do is rip each other's clothes off. I don't look at him. ये शो और इंडियन मैच मेकिंग कंपेयर हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? बंद किया जाए क्या? देखना है? बंद कर दे, देखना है? बताओ। अब रायता फैलाना शुरू कर ही दिया है तो खत्म करके उठते हैं। चैनल पे आ जाइए, देख लीजिए दूसरा वीडियो।